नमस्कार मित्रों, स्वागत करते हैं एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवी डिवोशनल में। पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से महाबली, बजरंगबली, हनुमान और राहु की वार्तालाप चल रही है कि सूर्य को पहले खाएगा तो खाएगा कौन। अच्छा, एक तरफ राहु की मंशा है कि उस सूर्य देव को, यानी उस सूर्य के गोले को, आग के गोले को खा करके मैं अपने आप को और तेजवान बना लूं। वहीं बजरंगबली को केवल भूख मिटाना है, ज्यादा कुछ उनका इंटेंशन नहीं। हाँ, उन्हें उनकी जो है फलों में रुचि है। हाँ, और एक तरफ हम देख रहे हैं देवराज इंद्र से सबर नहीं हो रहा, वो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार से राहु जल्दी से जल्दी मेरा कार्य करते हैं, क्योंकि इतना विलंब क्यों हो रहा है, आधा सूर्य। हाँ, नहीं तो अच्छा, वही दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सूर्य लोक में सब कुछ हैप्पी मोमेंट आ गया है, लेकिन शनि देव कहीं ना कहीं अभी भी भय चढ़ाए खड़े हैं, संतुष्ट नहीं है। लेकिन देवी संज्ञा कह रही कोई बात नहीं, शनि को असंतुष्टि होना चाहिए, जिस प्रकार से शनि ने मार्ग दिखाया मैं तो कृतज्ञ हो गई, मैं कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहती हूँ शनि को कि उसने मुझे सतमार्ग पर लाया, और मैं उन्हें समय भी देना चाहती हूँ। हाँ, तो अच्छा खैर, गिरगिट कब रंग बदले पता नहीं, फिलहाल बिना विलंब के शुरू करते हैं एपिसोड 175 पार्ट 2। वो फल खाना है मुझे, कितना लाल और कितना पक्का हुआ फल है, इसे खाने में तो आनंद आ जाएगा आज। ओ, युद्ध होगा भाई। बस यही बल प्रयोग करना चाहते थे। राहुल सोच रहे यार, पहली बार फेल हो रहा है। राहुल तो भुक्का पी के है। तो सारा धुआं निकल जाएगा भाई। कभी कभी भी नहीं आप समझ कर उससे द्वंद मोल लेना कितना हानिप्रद हो सकता है, राहु को अब समझ में आएगा। तुम करना क्या चाहते हो मित्र, मैं तुम्हारी सहायता करूं? थक गए, अब मैं जाकर अपना फल खा लूं। थका नहीं हूं मूर्ख वानर, तुम पर दया कर रहा हूं, चले जाओ, अन्यथा तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। करके देख लो। मैं अगर तुम्हें कुछ बोलने योग्य छोड़ूंगा, नहीं कहीं जाने योग्य। लाल, नीली, सफेद सब प्रकार की ऊर्जाएं ट्राई कर ले रहे भाई, यार जी भी खेल रहे हैं। करो करो, पीली ये तो अग्नि। मैं तुम्हारी पूछ कर दूंगा। मेरा तो कुछ नहीं कर पाया मित्र, पर स्वयं विदूषक अवश्य बन गए हो। ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, पर तुमसे कुछ हुआ ही नहीं मित्र, अब तुम्हारे खेल में मनोरंजन श्रेष्ठ नहीं बचा, चलो जाओ, अब मुझे मेरा फल खाने दो। ना जाने कैसी माता है जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। भैया ये तो गलत बोल दिया, पंगा ले लिया भैया। बस ये भूल मत करना बिना धड़ वाले मित्र, माता का अपमान मत करना, क्षमा मांगो इसी समय, अन्यथा। अन्यथा क्या, अन्यथा तुम अपनी कुरूप वानर माता के पास जाके मेरी चुगली करोगे, ना ही तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकते हो, ना ही तुम्हारी वानरी माता। अब तुम्हें बताना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, पूंछ का प्रयोग है।
का धड़ तो जो माया थी, तुमने कदाचित संसार देखा नहीं। बजरंगबली से माया कैसे तो बुद्धि होती। आओ मैं तुम्हें संसार की यात्रा कराता हूं। बाहर के लिए चल रहे थे, एक राउंड हो ही जाए। पहली बार क्षमा मांग रहे हो और अंतिम बार जाने दे रहा हूँ, अब दोबारा ऐसी भूल मत करना। और मेरे फल के आसपास दिखना भी मत, अन्यथा पूरे पर्वत लोक का भ्रमण करवाऊंगा। नहीं 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 नहीं, मुझे क्षमा कर दो, मैं जा रहा हूँ, तुम अपना फल खाओ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब इंद्रदेव तो नहीं आ जाएंगे? अब मैं तुम्हें बड़े आनंद और शांति से खा सकता हूँ। मारुती, मारुती कहाँ हो तुम? ओहो, तत्काल से न जाने कहाँ चला गया मारुती। हे महादेव, पता नहीं आप क्या उत्पात मचा रहा होगा। मारुती, मारुती कहाँ पुत्र? ये माता बिना सदैव अनुचित समय पर पुकारती है। मारुती, मारुती, मारुती कहाँ हो तुम? मारुती, लाला चाहा लप लप, कैसी जीव लप लप आई? और छिपना भी मत, कल की वर्दी मैं आ रहा हूँ थोड़ी देर में तुम्हें खाने के लिए। मारुती कहाँ थे तुम? मैंने सारा वन छान मारा, क्या कर रहे थे तुम? अच्छा फल खा लो, मैं तुम्हारे लिए वन से स्वादिष्ट फल तोड़कर लाई हूँ। चढ़ गए? खराब हो गए। महादेव ये सारे फल सड़ कैसे गए? कोई बात नहीं माता, मैं वन से और फल तोड़ के ले आऊंगा। नहीं पुत्र, बात वो नहीं है। पर भोजन का ऐसे अचानक सड़ जाना वानरों में बहुत ही अपशगुन माना जाता है। माता आप बिना व्यर्थ चिंता कर रहे हो, महादेव एक द्वार बंद करते तो दूसरा बड़ा द्वार खोल देते। जैसे ये छोटे फल का द्वार बंद हुआ, मुझे विश्वास है कि एक बड़ा फल मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा। माता मैं वो फल खा लूं? अब तो माता की भी अनुमति मिल गई है, इसे तो मैं खा कर ही रहूंगा। ये एपिसोड में अब कट्स बहुत ज्यादा होने लगे हैं, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट सीन जब कट हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि एक खास सीन कट हो गया जिसमें हमारे महाबली हनुमान जो हैं राहु को परिक्रमा करवा रहे थे। हाँ, और दूसरा, देखना मजा आता। हाँ, दूसरा था ये जो फल सड़ने वाला प्रकरण था, इसको कैसे सड़ाया गया, क्या माया थी। तो कुछ चीजें कट हो रही हैं, अब कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा, अभी तो मिल नहीं रहा फिलहाल। जिस प्रकार का प्रकरण हम लोग देख रहे हैं कि राहु ने सरेंडर कर दिया है, शरीर का सारा धुआं निकाल दिया, एकदम पूरा अपना अंदर हुक्का भरे हुए थे सब निकाल दिया उन्होंने, सारी एनर्जी भी लगा ली। अच्छा वही अभी इंद्रदेव का आना शेष है, शेष है, शेष है। और बाकी राहु को सबक जो मिला है वो तो अच्छा है। हाँ, जिस प्रकार से उन्होंने परिक्रमा लगवाई होगी और दोबारा लगवाने के लिए बोल ही दिए हैं, मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा, मैं तुम्हारी पूंछ उखाड़ दूंगा, मैं तुम्हारा धड़ अलग टोकली दूंगी। हाँ, तो विदूषक लग रहे हो तुम बस, और कुछ कर नहीं पा रहे। अब देखना यह है कि ये प्रकरण किस प्रकार से घटित होगा इस सीरियल। तो मित्रों फिलहाल अभी के लिए इस एपिसोड से लेना होता है विदा, शीघ्र ही मिलेंगे नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।